डिफरेंट है ना, यू शुड कंपेयर योरसेल्फ विद योरसेल्फ. दूसरे से कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं, नहीं खुद में इंप्रूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है. जो कहते हैं ना कि अगर एक साल तक एक परसेंट अगर हम इंप्रूवमेंट करें तो 237% इंप्रूवमेंट हो जाता है, 287% इंप्रूवमेंट होता है. अगर रोज 1% इंप्रूवमेंट करें, आप सोचो मान लीजिए आप रोज 50 सवाल कर रहे हो, तो 1% इंप्रूवमेंट का मतलब आधा सवाल इंप्रूवमेंट है, जो आपको दिखाई नहीं देगा, जो आपको ऑब्जर्व नहीं होगा. इट इज नॉट ऑब्जर्वेबल. 1% इंप्रूवमेंट और डिक्रीमेंट इज नॉट ऑब्जर्वेबल. दैट इज वाई जो कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं उनको डिक्रीज करने होते हैं, पता ही नहीं पड़ता है. इफ यू नॉट, मतलब अगर आप लर्न करना बंद कर दोगे तो पता नहीं पड़ेगा आप डिक्रीज कर रहे हो. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट कि कीप ट्राइंग. ये मिरेकुलस डिफरेंसेस लाता है विद द टाइम. इसीलिए तो जो परसिस्टेंट होते हैं विद स्पीड, परसिस्टेंट होते हैं. स्पीड किस बात की, कि हाँ मुझे 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है. धीरे 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 अपने आप की जो पैरामीटर है उसको डे टू डे की बजाय उसको महीने डेढ़ महीने में पैरामीटर करिए, कि महीने भर पहले मेरी स्पीड ये थी, हाँ यार 3-4 की स्पीड देखना आएगा डिफरेंस. अब तुम क्या करते, कल से आज मैंने बोल दिया कि 40 सवाल करने चाहिए और तुमसे 15 ही हो रहे हैं, तो तुम सोचोगे कल 40 ही डिप्रेशन में, अगर नहीं होंगे. ये 40 की स्पीड में आने में कम से कम 2-2.5 महीने, कम से भी कम लगेंगे 2-2.5 महीने. इट्स नॉट अ सिंगल डे जॉब. कम से कम अगर आज 15 कर रहे हो तो 40 सवाल पर घंटे की स्पीड में आने में 2-2.5 महीने लगेंगे. पर वो परसिस्टेंटली अपने को करना पड़ेगा. मतलब वो ये गेम यहाँ का है. और जिम वाली बात जो मैंने बोली ना, इसे याद रखना, एक दिन में चेंज नहीं होगा. इट विल नॉट बी सिंगल डे चेंज, इट टेक्स टाइम. पर बदलाव आ रहा होता है, जैसे हमारी बॉडी में आता है, वेट रफ्तार में घटता हुआ नजर आपको नहीं आएगा. 50-100 ग्राम अगर जब आप एक्सरसाइज करते हो या डाइटिंग करते हो या कुछ भी करते हो तो 100 ग्राम वजन घटता है, 50 ग्राम घटता है, पता ही नहीं पड़ता वेइंग मशीन में. बट 2 महीने बाद वो डिफरेंस दिखता है, वो गैप है थोड़ा सा, वो इंस्टेंटेनियस नहीं होगा. आप सोचो कैसे गैप नजर आएगा. अगर आप वन डे की हमारी साइकिल है सोचने की, अगर आप 1-1 घंटे में देख लोगे तो और दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम रोज नए थॉट्स के साथ सुबह उठते हैं. तो फिर सोचते हैं कि कल और महीने में आज में क्या डिफरेंस, वो एक दिन में डिफरेंस नजर नहीं आएगा, वो महीने 2 महीने में डिफरेंस नजर हो जाएगा. डोंट वरी. थैंक यू.